आज हमारा डेसिमल पार्ट टू है। डेसिमल पार्ट वन हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट टू। और इसमें हम आपको बताएंगे कि लाइक डेसिमल क्या होता है और हम असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं। उसके लिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो कि लाइक डेसिमल होता क्या है। जैसे मैंने अब आपका लिख दिया 2.6 7.35 4025। ठीक है, देखो इसमें पॉइंट के आगे नहीं आपको चेक करना, मैं ऐसे कर देती हूं। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चेक नहीं करना, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, इसमें वन है, इसमें वन टू है और इसमें वन टू थ्री है। तीनों नंबर्स में पॉइंट के बाद डिजिट अलग अलग है, तो ये जो है ये है हमारा अनलाइक डेसिमल, जब अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं इसको सेम कर सकती हूं, मैक्सिमम थ्री है ना, तो वन वन टू थ्री हो गया, जीरोस लगा दो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। देखो अब सेम हो गया, ये हो गया आपका लाइक डेसिमल। क्या हो गया? लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल में पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होती है। अब आप ये देखो 2.6 और 2.600, इसे ऐसे नहीं पढ़ते, 2.600 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? 2.600। ये दोनों सेम है, ये अलग नहीं है। ऐसे ही 107.35 एंड 107.350, ये भी दोनों सेम है। एक बात आप और ध्यान दो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.0, 4.00, 4 पॉइंट, जितना भी जीरो बाद में डाल लो, ये सारे 4 ही हैं, ये अलग नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे करते हैं कंपेयर। अब कंपेयर का क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने लिखा 0.5 एंड 5, हमें क्या करना है? ये अनलाइक है ना, ये 0.5 है और इसको मैं 5.0 लिख सकती हूं। सेकंड स्टेप में मुझे लाइक में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के ये 0.5 क्या बना? ये 5 ही बना। ये आपको अपने माइंड में सोचना है, कॉपी में नहीं करना है। और पॉइंट हटा दोगे ये क्या हुआ? 50। कौन सा नंबर बड़ा है? 50 ना, तो ये आपका बड़ा है। ऐसे करना है आपको, पॉइंट हटा देना है, ये माइंड में सोचना है। अब जैसे मैं आपको एक देती हूं, लिखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, लिखो। ये क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको लिखना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग सारा मेथड सेम है। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। पॉइंट के बाद वन नंबर, यहां थ्री, यहां टू, यहां टू। तो सबसे पहला काम है हमें इसे लाइक में कन्वर्ट करना। सबसे पहला काम हमारा क्या है? लाइक में कन्वर्ट करना। ये देखो हो गया लाइक में कन्वर्ट, 3 3 3 3, सेम डिजिट्स फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट। अब अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं, ये मेरा 1800 बन रहा है, 1800, ये 5 समथिंग। तो सबसे पहले असेंडिंग में सबसे छोटा आता है, तो पहले हम लिखेंगे 1.800, फिर ये 5000 लग रहा है ये, और ये क्या लग रहा है? 17000, और ये लग रहा है 31000, है ना। बस अब जैसे ओरिजिनल में आंसर था, वैसे ओरिजिनल में आंसर आप लिख लो, जो ओरिजिनल फॉर्म थी। ओरिजिनल फॉर्म यही थी ना, पॉइंट वो जीरो हटा दो, यहां तक भी ठीक है। चाहो तो ओरिजिनल फॉर्म बुक में इस फॉर्म में आंसर आप लिख दो। वैसे कभी ऐसे होता है असेंडिंग ऑर्डर में ना, ऐसे भी देते हैं यूं, एरो की जगह ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन भी लगाते हैं। तो ये ओरिजिनल, ऐसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेंगे। तो कंपेयर के लिए, असेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग के लिए पहले आपको लाइक डेसिमल में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका ये काम होगा।